वेबसर स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंस पी एस आई लव यू। ये फिल्म एक अमेरिकन रोमांटिक ड्रामा है। सिसिलिया आहन की इसी नाम के नोवेल पर यह बेस्ड है, जिसे 2004 में लिखा गया था। अगर इस फिल्म के IMDB रेटिंग की बात करें तो वो है 7, जो कि काफ़ी बेहतरीन रेटिंग कही जा सकती है। ये फिल्म जब रिलीज़ हुई थी तब इसने अच्छा खासा कलेक्शन किया था। फ्रेंड्स, हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा जो बहुत खास था, पर अब वो नहीं है, बस उसकी याद है। कई बार हम उसे याद करके मुस्कुरा जाते हैं, कई बार आँखों में नमी आ जाती है, कई दफ़ा वो हमें अपनी मौजूदगी का एहसास करा जाते हैं। ये कहानी है हॉली की और जेरी की, दोनों पति और पत्नी हैं। हॉली सिर्फ 19 साल की थी जब उसकी शादी हुई जेरी से। अब इनकी शादी को 10 साल हो चुके हैं। अक्सर इन दोनों में लड़ाई होती रहती है, आज भी लड़ाई हुई। जेरी ने कहा, तुमने 2 साल में 5 नौकरियां छोड़ी, तुम कहीं भी एक जगह टिकती ही नहीं हो। हॉली ने कहा, एक तो हम इतने छोटे से अपार्टमेंट में रहते हैं, ऊपर से तुम मेरी माँ के सामने ये कह रहे थे कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए। बच्चा करने से पहले हमें एक बड़ा अपार्टमेंट खरीदना होगा, उसके बाद ही हम बच्चे के बारे में सोच सकते हैं। ना तुम्हारी इनकम अच्छी है ना मेरी इनकम, हम अगर बच्चा कर भी लेते हैं तो हम मैनेज कैसे करेंगे। इसी बात पर अक्सर इन दोनों में लड़ाइयाँ होती रहती हैं। और वैसे भी पति पत्नी को लड़ने के लिए सिर्फ बहाने की ज़रूरत होती है, लड़ना तो उनकी जीन में हो जाता है। हॉली एक रियल स्टेट एजेंट है, पर उसका काम बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। जेरी की इनकम भी बहुत कम है, और इस तरह वो लोग सिर्फ एक छोटा सा घर ही अफोर्ड कर सकते हैं। ये घर इतना भी छोटा नहीं है जितना कि हॉली को लगता है, उसे बड़ा घर चाहिए। ये लड़ाई रोज़ होती है, पर रात होते होते दोनों को रियलाइज़ होता है कि वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, और दोनों एक दूसरे को बाहों में लिए सो जाते हैं। इस रिश्ते में प्यार के साथ साथ टकरार भी ज़बरदस्त है। इन्हीं सब में कुछ महीनों बाद जेरी की मौत हो गई। दरअसल उसे ब्रेन ट्यूमर था और इसकी वजह से उसकी जान चली गई। जेरी के जाने के बाद अब हॉली बहुत अकेली हो गई है। अब उसे जेरी की कमी खलने लगी है, अब उसे भुला नहीं पा रही, और साथ में उसे ये भी महसूस हो रहा है कि वो उसके साथ थोड़ा तो रूठ हो गई थी। घर चाहे जैसा भी था, चाहे जितना भी छोटा था, पर दोनों ने मिलकर इस घर को अपने खूबसूरत रिश्ते से सजाया था। इस घर में कितना कुछ था, पर अब वो नहीं है, अब सिर्फ यादें हैं। इन सब के साथ जेरी प्रैक्टिकल भी है, अब वो उन यादों को भुला देना चाहती है, और साथ में जेरी को भी। दिमाग अक्सर प्रैक्टिकल फैसले ले लेता है, पर दिल इसकी नहीं सुनता। दिल की अपनी एक अलग दुनिया होती है, वो उस दुनिया में हमें अक्सर डुबा ले जाता है। हॉली के साथ भी ऐसा ही हो रहा है, वो चाह कर भी उन यादों से निकल नहीं पा रही। जेरी के मरने के बाद कुछ हफ्ते बीत चुके हैं। हॉली की माँ पैट्रिसिया चाहती है कि हॉली जेरी को भुला जाए, इसलिए उन्होंने आज एक पार्टी थ्रो करी है। हॉली के फ्रेंड शैरन और डिनीस भी यहाँ पर आए हुए हैं। सब उसे हंसाने की कोशिश कर रहे हैं और चाहते हैं कि हॉली जल्द से जल्द इन यादों से बाहर निकल आए और सच्चाई को कबूल करे। कुछ दिनों के बाद हॉली का बर्थडे था। सुबह उठते ही उसने पाया कि वो इस घर में अकेली है, जबकि पिछले 10 साल से वो अपना हर बर्थडे जेरी के साथ मनाती आई थी। सो इस सुबह उसने टीवी ऑन किया, टीवी पर एक सैड गाना चल रहा था। उस गाने के साथ साथ हॉली ने भी गाना शुरू किया माइक लेकर, और बड़ी ही तेज़ आवाज़ में गाती गई। उसके दिन अक्सर ऐसे ही गुजरते हैं। आज भी वो तेज़ आवाज़ में इस दर्द भरे गाने को गा रही है कि तभी शैरन, डिनीस और उसकी माँ पैट्रिसिया यहाँ पे पहुँची, और साथ में जेरी का फ्रेंड जॉन भी। इनके आने के बाद एक केक डिलीवर हुआ। कोई भी नहीं जानता कि ये केक कहाँ से आया है, सिर्फ डिलीवरी बॉय इसे देकर चला गया। जैसे ही हॉली ने इसे खोला, इस केक पर लिखा था फ्रॉम जेरी। इसका मतलब जेरी ने मरने से पहले ही ये केक बुक करा दिया था हॉली के लिए, और साथ में इसमें एक ऑडियो कैसेट है। हॉली ने उस कैसेट को सुना जिसमें जेरी की आवाज़ है, और उसने कहा है, मैं जानता हूँ तुम मुझे भूल नहीं पा रही हो, पर मुझे भुलाने में मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अलग अलग दिनों पर अलग अलग जगह मैं तुम्हें लेटर्स भेजूँगा। तुम ये पता लगाने की कोशिश मत करना कि लेटर्स कहाँ से आ रहे हैं, बस उन्हें पढ़ना और उन्हें फॉलो करना। इतने लंबे समय बाद जेरी की आवाज़ सुनकर हॉली अपने आप को रोने से ना रोक सकी, पर उसने ये डिसाइड किया है कि वह जेरी की बात को मानेगी, इन लेटर्स के सोर्स का पता लगाने की कभी कोशिश नहीं करेगी, और वो उन चीज़ों को फॉलो करेगी जो इस लेटर्स में लिखे हुए हैं। उसकी माँ पैट्रिसिया ने उसे रोकने की कोशिश की और कहा कि तुम्हें इन सब में नहीं पढ़ना चाहिए, ये लेटर्स तुम्हें और भी पुरानी यादों में ले जाएंगे। पर हॉली नहीं मानी और उसने कहा कि वो जेरी की बात को नहीं डाल सकती। हॉली की माँ पैट्रिसिया का कभी भी जेरी के साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं रहा। इन सब में हॉली मिली डैनियल से। डैनियल शुरू से ही उसे पसंद करता है और उसमें इंटरेस्ट दिखाता है, पर हॉली को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। वो तो अभी भी जेरी को महसूस करती है। अपने आसपास जेरी की यादों का साया अक्सर उसे मालूम होता है। वो उन यादों से बाहर निकलना ही नहीं चाहती।
अगली सुबह उसे अपने घर के मेल बॉक्स में एक लेटर मिला। यह लेटर जेरी की तरफ से था और उसे उसी पब में जाने को कहा जहाँ पर अक्सर वो जाया करते थे। इस पब में जेरी सिंगर था, कभी कभी वो यहाँ पे गा लिया करता था। हॉली ने उसकी बात नहीं टाली और उस पब में पहुंची। यहाँ पहुंचने के बाद भी हॉली जेरी को महसूस कर पा रही थी। अब उसके लिए और भी मुश्किल होता जा रहा है जेरी को भुलाना। इन्हीं सब में हॉली ने अपना जॉब छोड़ दिया। वैसे भी वो अपने जॉब में ज़्यादा अच्छी थी नहीं और उसे ये जॉब पसंद भी नहीं थी। कई बार तो हॉली को जेरी अपने घर के अंदर भी महसूस होता है। कुछ दिनों के बाद उसे एक और लेटर मिला जिसमें कि जेरी ने मेंशन किया है कि उसे वैकेशन पर जाना चाहिए और साथ में उस टूर एंड ट्रैवल एजेंसी का एड्रेस है जहाँ पर जेरी ने ऑलरेडी उसका वैकेशन का सारा प्लान किया हुआ है। जैसे ही हॉली इस एजेंसी के पास पहुंची, वो देखकर हैरान है कि जेरी ने ना सिर्फ उसके लिए बल्कि उसकी दो दोस्तों डिनीस और शेरन के लिए भी ये ट्रिप प्लान करी है आयरलैंड के लिए। हॉली ने प्लानिंग के हिसाब से अपने दोनों दोस्तों को लिया और निकल पड़ी आयरलैंड। जिस रूम में इनके ठहरने की बुकिंग हुई थी उस रूम में भी एक लेटर मिला है। इस लेटर में जेरी ने हॉली के लिए ढेर सारा प्यार लिखा है और साथ में उसे रिक्वेस्ट किया है यहाँ के नज़दीकी पब में जाने को। हॉली अपने दोस्तों के साथ पहुंची पब में और वहाँ पे उसने एक सिंगर को गाते हुए देखा। इस सिंगर का नाम था विलियम और विलियम को देखते ही हॉली उसके लिए अपने आप को आकर्षित महसूस कर रही थी। उसने जाके विलियम से बात करी और इस तरह आज की शाम उसकी काफ़ी बेहतरीन गुजरी। अगली सुबह वो अपने दोस्तों शेरन और डिनीस के साथ बोट में थी कि अचानक से बोट को बैलेंस करने वाला इंस्ट्रूमेंट इनसे पानी में गिर गया। अब ये इस रिवर के बीचों बीच फंसे हुए हैं और इन्हें बचाने के लिए कोई भी नहीं आ रहा। इतने में विलियम भी इधर से गुजर रहा था दूसरी बोट में। उसने इन तीनों को देखा और इन तीनों को बचाया। आज की रात विलियम इन तीनों के साथ उस घर में आया जहाँ पर ये तीनों रुके हैं। हॉली विलियम के प्रति अपने आप को आकर्षित महसूस कर रही थी और इस तरह वो अपने आप को उसके करीब जाने से ना रोक सकी और आज की रात दोनों ने एक ही साथ बिताई। पर अगली सुबह बातों बातों में विलियम को ये पता चला कि ये हॉली है कौन। उसे ये जानकर हैरानगी हुई कि हॉली उसके दोस्त जेरी की विडो है। दरअसल विलियम जेरी के बैंड में सिंगर हुआ करता था। वो ये जानकर हैरान है कि हॉली उसकी विडो है। पर जब हॉली को ये बात पता चली तो वो शॉक्ड रह गई और उसने विलियम से दूरी बनाने की कोशिश की। पर विलियम ने उसे समझाया और उसने जेरी के साथ अपनी बहुत सी यादें शेयर की जिससे हॉली विलियम को लेकर कन्विंस हो गई। हॉली के इन लॉज यानी कि जेरी के माता पिता यहीं से थोड़ी दूरी पर रहते हैं। तो अगली सुबह हॉली पहुंची अपने इन लॉज के पास। यहाँ इन दोनों के पास भी जेरी का एक लेटर है जो कि हॉली के लिए लिखा गया है। इस लेटर में वो यादें हैं जब जेरी और हॉली यहाँ से लगे नेशनल पार्क में मिले थे। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि हॉली अपना रास्ता भटक गई थी और नेशनल पार्क को ढूंढ रही थी। रास्ते में उसे एक इंसान दिखा जो कि जेरी था। उसने उससे नेशनल पार्क का रास्ता पूछा। जेरी ने कहा आप ऑलरेडी नेशनल पार्क के अंदर हैं। ये जानकर वो हंस पड़ी और इस तरह से दोनों में बातचीत शुरू हुई। थोड़ी दूरी तक वॉक करते हुए इन दोनों में एक केमिस्ट्री डेवलप हुई और दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया। इन सब यादों को याद कर हॉली कुछ अच्छा महसूस कर रही है पर वो ये जानना चाहती है कि आखिर ये लेटर्स आ कहाँ से रहे। इस तरह इतनी सारी यादों को याद करने के बाद अब ये ट्रिप ख़त्म हो गई है। अब हॉली अपने दोस्तों शेरन और डिनीस को लिए वापस अपने घर पहुँच गई है। घर पहुँचते उसे एक और लेटर मिला है। वो जान नहीं पा रही कि ये लेटर आ कहाँ से रहे। इस लेटर में जेरी ने लिखा है कि तुम एक अच्छी शू डिज़ाइनर हो तो क्यों ना तुम अपना करियर शू डिज़ाइनिंग में शुरू करो। हॉली ने जेरी की बात मान ली और अब वो शू को डिज़ाइन करना शुरू कर रही है। एक दिन वो अपनी माँ के घर पहुँची। दोनों में बातचीत हुई और बातचीत के जरिए धीरे धीरे ये सीक्रेट ओपन हुआ कि जो भी लेटर्स हॉली तक पहुँच रहे हैं ये सारे लेटर्स उसकी माँ पैट्रिशिया को जेरी ने मरने से पहले दिए थे और उसकी माँ ही वो शख्स हैं जो हर जगह इन लेटर्स को पहुँचा रही हैं। वैसे तो पैट्रिशिया और जेरी की रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छी थी नहीं पर उन्होंने जेरी की ये बात ज़रूर मानी क्योंकि उसकी अंतिम इच्छा थी। फिर भी वो कभी भी इस सीक्रेट को हॉली के सामने ओपन होने नहीं देना चाहती थी। इसीलिए वो ऐसा रिएक्ट करती थी कि उन्हें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा कि हॉली अपनी पुरानी यादों में बार बार जा रही है। पर अब सीक्रेट ओपन हो चुका है। ये सब जानकर हॉली खुश है कि एटलीस्ट मरते वक्त पैट्रिशिया और जेरी की रिलेशनशिप अच्छी हो गई। कुछ दिनों बाद हॉली मिली डैनियल से। हॉली को लगा कि डैनियल जो कि ऑलरेडी उसे पसंद करता है वो उसके लिए सीरियस हो सकती है। पर कुछ डेट करने के बाद उसे ये एहसास हुआ कि दोनों सिर्फ दोस्त हो सकते हैं, दोनों में प्यार वाली केमिस्ट्री नहीं है। और अब इस तरह धीरे धीरे हॉली ने अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर लिया है। अब वो अपनी माँ के साथ आयरलैंड घूमने जा रही है
और इन सब यादों को बहुत पीछे छोड़ चली है। अब वो ग्रो अप हो चुकी है, अब वो किसी भी प्यार का इंतज़ार नहीं करेगी और ना ही जेरी के लिए आंसू बहाएगी। अब उसने ज़िंदगी में जो भी आएगा उसे एक्सेप्ट करना सीख लिया है। प्यार जब आना होगा तब आ जाएगा और उसकी ज़िंदगी का सफ़र यूं ही चलता रहेगा। फ्रेंड्स, ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।